गाइज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज एक अलग सा वीडियो है, क्योंकि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 4th January 2021 मेरी कैट मेरे घर से भाग गई। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि आई हैव अ कैट जिसका नाम हेजल नट है और हम उसे प्यार से हेजू बुलाते हैं। वो हमारे साथ कुछ 2 साल से रही है। शी इज अ स्ट्रे कैट जिसको मैंने लिटरली जब वो 1 week ओल्ड थी, मैंने उसको सड़क पे मुझे वो मिली थी एंड आई ब्रॉट हर होम। और हमारे पास कभी भी पेट्स नहीं रहे हैं। सो वी आर नॉट रियली यूज्ड टू हैविंग पेट्स, बट इतना अटैचमेंट बढ़ गया कि 2 साल हो चुके हैं एंड शी इज़ विद अस अनटिल ऑन 4th जब वो घर से भाग गई। सुबह भाग गई थी, मेरे मॉम डैड किचन में थे और दरवाज़ा उनसे खुला रह गया एंड शी रैन अवे। एंड सुबह हम लोग उठे बाय 8-8:30 बजे तक और हम लोग ढूंढ रहे हैं बट वी वर अनएबल टू फाइंड हर। उन्होंने पूरी बिल्डिंग हमारी चेक की है, पूरा लेन, हर एक बिल्डिंग, हर एक यू नो वी सर्च्ड एवरीवेयर इन द लेन, हर एक बिल्डिंग हमने हर जगह ढूंढा बट हमको वो कहीं भी नहीं मिली। एंड चीज़ें बहुत बुरी होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया इट स्टार्टेड गेटिंग वेरी वेरी इंटेंस, क्योंकि हम यू नो द अटैचमेंट दैट वी हैड विथ हर, वो एक बहुत ज़्यादा हम लोग उससे अटैच थे और वो अचानक से इस तरह से भाग गई। वी वर नॉट रेडी फॉर इट। एंड सभी घर में मॉम रो रही थी, मेरी बहनें रो रही थी। एंड 24 hours पास्ट, 4th की सुबह चली गई थी, 4th की सुबह हो गई, वो अभी भी वापस नहीं आई थी, सॉरी 5th की सुबह तक वो नहीं आई थी। और 5th की शाम को आई डिसाइडेड कि हम लोग पूरा दिन तो खोज ही रहे थे, बट मैंने 5th की शाम को सोचा कि हम लोग रात में भी सर्च करने जाते हैं, क्योंकि कैट्स यूजुअली जब शांत रहता है रात को, दैट टाइम वो लोग बाहर निकलते हैं। जो हमारे 5th की रात का हंट था उसमें मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग मैंने किया, क्योंकि यू नो पहले 2 दिन तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, मैं काफ़ी ब्लैंक हो चुका था एंड यू नो इट वॉज किलिंग मी कि वो यू नो हमारे साथ नहीं है फिजिकली प्रेजेंट। सो वो रात तक मैं थोड़ा सा ठीक हो चुका था, तो मैंने सोचा उसे व्लॉग करते हैं। सो दिस वाज द व्लॉग ऑफ 5th नाइट जब हम लोग उसके हंट पे निकले। 2 days शी हैज़ नॉट कम बैक होम और हम लोगों ने घर हमारे घर के इधर जगह जगह पे ये पोस्टर लगा दिया। आई थिंक इज मेरे 2 दिन से मैं बिल्कुल भी जोन में नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था कि वो कहाँ पे गई है एंड दैट्स वाई मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाए कुछ नहीं, इट्स बीन ओवर अ वीक एंड नाउ आई थिंक कि मैं सिर्फ एक छोटा सा इस पर ही व्लॉग बनाने वाला हूँ, विच आई रियली एम नॉट गोना एंजॉय, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक सच कंटेंट। हम लोग इस तरह रैंडमली बिल्डिंग टू बिल्डिंग जा रहे हैं पूरे लेन में इन एंड होप कि हमको कहीं ना कहीं दिख जाए, बहुत कम चांसेस है बट वी आर गिविंग इट आवर ऑल। सुबह से लास्ट 2 days हम लोग यही कर रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर चेक कर रहे हैं। अंदर सो मेनी डॉग्स ऑल्सो। द स्कैरी पार्ट इज कि ये पूरे लेन में इतने सारे कुत्ते हैं एंड शी इज नेवर सीन डॉग्स बिफोर, सो इट्स गोना बी वेरी स्कैरी फॉर हर फॉर श्योर, सो दैट्स आल्सो वेरी स्कैरी। गॉड, ब्रो व्हाट द हेल इज दैट? नो, फ्लैश, ओह दिस, यू डोंट टच इट। हां, आई थिंक इनका ऐसा कुछ रहता है कि ओह या, इफ यू टच देम दे कम ऑल ओवर योर बॉडी, लाइक पूरा स्क्रैच होता, लाइक यू डोंट टच इट, आई एम टेलिंग यू डोंट टच इट, दीस वंस आर वियर्ड। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। लिसन, आई लव इनसेक्ट्स। कुत्तों से मेरी बहुत ज्यादा फटती है। जो अनप्रेडिक्टेबल चीज है कि मेरे घर के राइट साइड में रहता टेकड़ी और ये साइड पे मेन रोड है, अभी वो टेकड़ी पे चली गई रहेगी तो टेकड़ी तो इज इमेंसली बिग, मतलब इट कनेक्ट पूरा पुणे टुगेदर, सो वहाँ पे तो अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। And a lot of people have been telling me कि cats का ये normal behavior है, क्योंकि we have never had a pet, पर 2 साल से वो कभी घर के बाहर नहीं गई, she's never seen the outside world, और कुछ ऐसा होना is absolutely scary, like honestly, 2 दिन से सबका mood घर में off है and गाइस बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने 3 गली चेक कर लिया है सुबह से, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई वॉक थ्रू द सेम लेन्स, बट इट्स सो रैंडम, मतलब पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हो, कहीं भी जा सकती है। शांत हो और की दिस की नजर कर लो तो कॉल करो मुझे चीज।
थैंक यू। सारे वॉचमैन को बता रहे हैं अबाउट द कैट बिकॉज या दिस सी हर दिल कॉन्टैक्ट अस। और हम लोगों ने एक रिवॉर्ड भी रखा है 2000 रुपये का। कीप वॉकिंग। मुझे काफ़ी कॉल्स भी आए बट उसमें से एक दो कॉल्स वे लिटरली प्रैंक कॉल्स जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो लोग मुझे बता रहे थे कि हमको बिल्ली मिल चुकी है, आप पहले पैसे जीपे कीजिए। तो मैंने बोला मैं वहाँ पे आता हूँ, आई विल गिव यू द मनी और उसके बाद आप मैं आपको पैसे दे दूँगा। सो दे लाइक नहीं, हम लोग लेकर जा रहे हैं आपकी बिल्ली को, कल तक नहीं दिया तो पैसे डबल हो जाएंगे। सो दैट्स वेरी वेरी रूड। मतलब इफ़ समबडी इज़ इन नीड और नो किसी का पेट घूम चुका है और आप लिटरली अपने पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो। सो वो रात ऑब्वियसली हम लोगों ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, वी डिड नॉट फाइंड हर। और यू नो डू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो 2 साल से घर में रही है, शी इज़ नेवर गॉन आउट। एंड उसके लिए जो कुत्ते थे बाहर, बाहर का एनवायरनमेंट, गाड़ियाँ, उसे बहुत से बहुत नॉर्मल चीज़ों से भी इतना डर लगता था। सो इट वॉज़ वेरी वेरी स्कैरी फॉर अस कि वो यू नो 2 दिन के ऊपर बाहर रह चुकी है। सो वो रात तो हम लोग घर पर आ गए एंड आई स्लेप्ट ऑफ। पोस्टर्स हम लोगों ने सारी तरफ लगा दिए थे अबाउट हर बींग मिसिंग। और नेक्स्ट डे सुबह, मतलब 6 तारीख की सुबह 7 बजे मुझे एक फ़ोन आता है एंड देयर इज़ अ लेडी ऑन द फोन और वो मुझे बताती है कि आई हैव स्पॉटेड योर कैट और कुछ कुत्तों ने उसे मार दिया है। यस, आई फ्रीक्ड आउट। मैं तुरंत उठा, मैंने अपने गाड़ी की चाबी ली, आई सैट, मैं सीधा जहाँ पे वो लेडी थी मैं सीधा वहाँ पे पहुँचा। एंड हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन साइट था और वहाँ पे हमने एक कैट की डेड बॉडी देखी। अब सम स्ट्रे डॉग्स ने ये कैट को कम्प्लीटली खा चुका था और ये वो डेड बॉडी का फ़ोटो है ऑफ द कैट। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा ब्लर आउट मैं करने वाला हूँ एंड इफ़ यू थिंक कि आप यू नो आप बहुत सेंसिटिव है और आप ये आसानी से नहीं देख सकते तो जस्ट स्किप द वीडियो 10 सेकेंड्स अहेड। मैं एट दिस पॉइंट मैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका था, आई वॉज क्राइंग। मैं घर पे आया, मैंने मॉम को बताया, मॉम बिलीव करने को तैयार नहीं, मॉम भी रो रही थी। स्नेहा तन्वी मेरे जो दोनों बहनें हैं इवन दे वर क्राइंग। स्नेहा तन्वी को ऐसा लग रहा था कि ये ही जो है ही नहीं, इसलिए वो बाइक पे बैठ के उससे वापस ढूंढने निकल चुके थे। आई वॉज कन्विंस कि यही ही जो है, इसलिए मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया और मैं कंटिन्यूसली रो रहा था। आई हैड गिवन अप कम्प्लीटली एंड जस्ट सीइंग दैट साइट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। तभी जो वॉचमैन था वो हमारे घर पे आया, ही केम होम एंड उसने बताया कि जो इमरजेंसी एग्जिट है, जो फायर एग्जिट है, वहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे देर इज़ फ्रेश कैट पिस। मतलब एक स्मेल आ रही है जो कैट पिस की है और वो फ्रेश है क्योंकि वो कल रात तक तो नहीं थी वहाँ पे। तब हम लोग नीचे जाते हैं एंड दैट टाइम आई वाज लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि वो फायर एग्जिट में किसी भी एंगल से एंटर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑन एवरी फ्लोर देर इज़ अ डोर फॉर इट, तो एज अ कैट डोर तो ओपन हो नहीं सकता है। सो हम लोग वापस घर पे आते हैं वेरी कंफ्यूज्ड एंड तब सडनली हमको जो हमारे घर के सामने एक हमारा हीट पंप है वहाँ उसके पीछे वी सॉ हीज़ सिटिंग ओवर देयर। वो फंस गया है प्रेम सिंह। हाँ ती आली ये आड़क ले रे। आई आई प्रेम सिंह आई प्रेम सिंह आई प्रेम सिंह आई खुद आएगी आने दो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स क्योंकि वो 2 दिन के बाद एंड आफ्टर सीइंग अ डेड बॉडी रियली अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली जो वो बिल्ली के साथ हुआ इट इज़ वेरी बैड द वे डॉग्स हैड किल्ड हर बट इट वॉजेंट हेज़ू एंड यू नो ऑल्दो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थे इट वॉजेंट हेज़ू एंड इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड हम लोगों ने वो डेड बॉडी को जाके दफना दिया एंड वी वॉज सो हैप्पी दैट हेज़ू वॉज फाइनली बैक। एंड या इट जस्ट मेड मी अंडरस्टूड कि किस तरह से सिर्फ यू नो 2-3 दिन हमारा इतना अटैचमेंट हो गया था और वो 2-3 दिन के लिए जब मिसिंग चली गई इट वॉज जस्ट अ वेरी टफ एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन, सबके लिए घर में। वी हैव नेवर सीन कि यू नो काफ़ी लोगों को ये मजाक लग रहा था कि यू नो कैट ही तो है एंड दिस एंड दैट बट यू नो इट्स नेवर दैट। जो आप अगर आपके पास पेट रहेगा तो आपको ऑलरेडी यू नो यू माइट रिलेट टू दिस कि उनसे वो एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं एंड लूजिंग दैम एंड यू नो वो जो डर रहता है उनके लिए
it's very scary and I'm so glad that she's finally back. I'm just gonna go get her. There she is, finally घर आ चुकी है and पूरी गंदी होके आ गई थी, so we had to give her a bath. गुस्सा सुन रहे हो? गुस्सा बहुत आता है इसको. So yeah, we finally got her back and trust me, इससे ज़्यादा relief मेरे life में मुझे कभी नहीं मिला है and I've never been so tensed for anyone in my life. जिस तरह से I don't know, मैं just lost हो चुका था, but I'm so glad that she is back. And yeah, इसी के साथ आज का ये video ख़त्म होता है. It was a random video, something जो मेरे बहुत बहुत बड़ी चीज़ मेरे life में जो अभी हुई और मुझे आप लोगों के साथ ये share करना था. इसी के साथ या फ्यूचर में बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आ रहा है, बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या